अभी आप लोग बोले इंस्टाग्राम, ठीक है, चलिए उसको ही देख लेते हैं। इंस्टाग्राम का आप क्या यूज करते हैं? अच्छा, और और कुछ होता है क्या? देखिए तो थोड़ा व्हाट्सएप नहीं, व्हाट्सएप को बोलिए, फेसबुक और कुछ जो यूज, स्नैपचैट, कारण ये तो हम यूज नहीं किए इसलिए नहीं बता सकते। चलिए ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कुछ क्या है, वेबसाइट है कह सकते हैं, जिसमें आप आईडी क्रिएट करके क्या करते हैं, रील बनाते हैं, दोस्त बनाते हैं, फिल्टर लगाते हैं फोटो में, बहुत सारा ऑप्शन है। फेसबुक में तो नहीं था, लेकिन जब इसको अपग्रेड किया इंस्टा में, तो इसमें बहुत कुछ ऐड कर दिया था। और ये भी तो देखे हैं दोस्तों, खींचता है बहुत अच्छा अच्छा, इसमें फोटो आ जाता है, ठीक है। और ट्विटर तो सर कमेंट के लिए थोड़ा अलग चीज हो गया, ठीक है। देखिए इस पे थोड़ा दूसरे टाइप के लोग जुड़ते हैं, ट्विटर पे क्या होता है, थोड़ा नेता मंत्री एक्ट्रेस एक्टर ये सब टाइप के होते हैं, आप भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट आपके लिए ज्यादा बेस्ट इंस्टाग्राम, ठीक है। तो समझिएगा, ये सारे जो भी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, मतलब जो बोर्ड पे दिख रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल है इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और स्नैपचैट। इसको किस वेबसाइट में रखा गया है? इंटरटेनमेंट सर, इंटरटेनमेंट, वो तो कपिल शर्मा के शो को रखा गया इंटरटेनमेंट में, ठीक है। देखिए इसको बोलते हैं सोशल साइट, सोशल साइट, ठीक है। अब सोशल साइट, अभी किसी ने बोला था व्हाट्सएप, ठीक है, व्हाट्सएप ये सोशल साइट में नहीं आता है, पर्सनली हो जाए, ठीक है। अब देखिए यार कैसे, कब हम क्या, मतलब इसको कब क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप इसमें क्यों नहीं आता है और ये चारों क्यों आता है, इसका रीजन ये है कि बताइए कि इंस्टाग्राम पे जैसे आप आईडी क्रिएट करते हैं तो क्या जरूरी है कि उसका नंबर आपके पास होना चाहिए तभी आप फ्रेंड बनिएगा? जरूरी है? व्हाट्सएप में क्या कंडीशन है? अगर आपके पास व्हाट्सएप में सामने वाला का नंबर नहीं है तो आप ऐड हो सकते हैं? नहीं ना। इसी रीजन की वजह से व्हाट्सएप को क्या रखा गया है, सोशल साइट में नहीं रखा गया है। कुछ समझ में आया? ठीक है, मतलब इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, स्नैपचैट हो गया, इसमें आईडी बनाते ही ऑटोमेटिक अगर नाम सर्च करते हैं वो बंदा आपके सामने हाजिर है। अगर उसका एक्यूरेट आईडी आपको पता है कि उसका आईडी यही है, जैसे बहुत सारा अपना आईडी बता दो, तो एक्यूरेट हम आपको आईडी बताए गए, आप जैसे मतलब अपने सर्च बॉक्स में एंट्री किए, फटाक से उस व्यक्ति का डिटेल आ गया, आप उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। बट अगर नहीं, अगर डायरेक्ट एक्यूरेट आईडी है तो फिर आपको ढूंढना पड़ेगा, उसका नाम सर्च कीजिए, बहुत ढूंढना पड़ेगा, दोनों में फर्क है, ठीक है। तो देखिए ऐसे वो सारे वेबसाइट जिसमें जरूरी नहीं है कि हमको किसी का कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए तभी हम जुड़ सकते हैं, वो सारे वेबसाइट सोशल साइट में आते हैं। सोशल मतलब क्या होता है, एक दूसरे से बिना किसी कनेक्शन का क्या होना, जुड़ जाना, समझे। बट व्हाट्सएप में क्या है, जब तक आपके पास कनेक्शन का मतलब क्या नंबर उसका नहीं रहेगा तब तक आप नहीं जुड़ सकते हैं। कुछ समझ में आया? इसको थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए कि ये सोशल साइट में आता है। ये तो आप लोगों ने बोला तो मैं बता दिया, बट आज का टॉपिक है आपका इंटरनेट। जितना आप बोल रहे हैं ना कि हम लोग कैसे कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्या बिना इसके जुड़ सकते हैं? नहीं, इसके बिना कुछ पॉसिबल नहीं, सब बेकार है, ठीक है। तो कोई बताएगा क्या कि व्हाट इज इंटरनेट, इंटरनेट क्या होता है? चलिए भी लिख देते हैं, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन इंटरनेट एंड वेब, कोई बताएगा? और मोबाइल में सर्च करें तो क्या लगता है? बताइए, कोई बात नहीं, सर्च करके ही बता दो थोड़ी। हाँ बताइए, कोई किसी को आइडिया है इंटरनेट क्या है? अभी उसका आंसर हम मुंह से बोले आप लोग फिर भी नहीं बोल पा रहे, जुड़े होते हैं बिना इंटरनेट के द्वारा, हम नहीं कोई काम कर सकते, सारा सिस्टम, ठीक है। और वेब के बारे में कुछ भी थोड़ा सा, तो वेब में सर्च करते हैं सर। अच्छा, वेब पे सर्च करते हैं, हाँ, जैसे हो गया क्रोम, गूगल वाले। अच्छा, गूगल, ठीक है, तनिष दिमाग में है, अच्छी बात है, ठीक है। देखिए वेब पहले क्लियर करते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। वेब मतलब क्या हो गया ना, वेब एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सॉफ्टवेयर कहने का मतलब क्या, इन्होंने अभी बोला गूगल क्या क्या बहुत सारा, तो एक चीज समझ लीजिएगा, ब्राउजर एप्लीकेशन, या एप्स। अब यहाँ पे आप मेरे को समझाइए तो, कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, ये एप्लीकेशन किसके लिए है? कंप्यूटर के लिए, क्योंकि कंप्यूटर विंडोज है, और एप्स किसके लिए है? एंड्रॉइड के लिए, जो कि आपका फोन है। समझ में आएगा, क्लियर है टॉपिक? तो देखिए ब्राउजर एप्लीकेशन कहने का मतलब क्या हो गया, ऐसा एप्लीकेशन जो बिना इंटरनेट का नहीं चलता है,
तो बताइए तो कि आपका WhatsApp ब्राउजर एप्लीकेशन में आएगा क्या? यस, क्योंकि बिना इंटरनेट का वो भी नहीं चल रहा है, ठीक है। भले जियो जियो इतना अच्छा सिम कार्ड है कि रिचार्ज खत्म होने के बाद भी कम से कम व्हाट्सएप चल जाता है, चलता है ना, कम से कम चलता है। लेकिन अदर ब्रांड में कोई आशा नहीं, नेट खत्म हुआ फोन डब्बा हो गया। जियो की इस मामले में बहुत अच्छा है। कुछ टेक से रिलेटेड, भले वीडियो ना चले, टेक से रिलेटेड गूगल पे भी सर्च किया जाए तो टाइम लेगा, लेकिन वो बता देता है। समझ में आ रहा है? जियो इज द बेस्ट, ठीक है। तो देखिये, ब्राउजर एप्लीकेशन या एप्स कहने का मतलब वही हो गया कि ऐसा एप्लीकेशन या एप्स जो किससे चलता है, इंटरनेट के माध्यम से चलता है। अगर हम डाटा को ऑफ करके उस एप्लीकेशन को ऑन करेंगे, कुछ नहीं लिखेगा, नो इंटरनेट, सीधी सी बात है। समझ में आया? तो वो सारे एप्लीकेशन ब्राउजर एप्लीकेशन में आते हैं जो क्या, नेट से चलता है। तो बताइए तो कोई पांच को एग्जांपल जल्दी दीजिए। क्रोम, लोम, गूगल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, स्नैपचैट चलता है। हां बोलिए। फेसबुक, लेकिन याद रखिएगा फेसबुक सोशल साइट में है। अगर आपसे कोई पूछ देते इस चीज को भुलाइएगा नहीं, व्हाट्सएप भी लिख देते, उसको कहला छोड़ेंगे। और बताइए, और बताइए, इंस्टाग्राम, चलिए इंस्टाग्राम, ठीक है। इसको थोड़ा फटाक से लिखिए तो हेडिंग देके, ब्राउजर एप्लीकेशंस और एप्स। तो सेम जो एप्लीकेशन है इसका आपके फोन में भी क्या है, एप्स है, ठीक है। आप लिख लीजिए, एक और लिख लीजिए, फायरफॉक्स, वो भी बहुत अच्छा है। फायरफॉक्स इसको मंजिला के नाम से जानते हैं, फायरफॉक्स। और सेवन नंबर पे लिख लीजिएगा ओपेरा मिनी। यूसी ब्राउजर पहले आता था, बैंड हो गया। ब्राउजर एप्लीकेशन में हो गया आपका क्रोम, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी और यूएसबी ब्राउजर। यूएस ब्राउजर क्या आता था जी? यूएस ब्राउजर ना, हाँ यूएस ब्राउजर, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम थोड़ा क्लियर करते हैं, ठीक है। तो देखिए, एक टॉपिक है आपका जीमेल और व्हाट्सएप। इसमें थोड़ा हम एक टॉपिक को कंपेयर करने वाले हैं कि जीमेल और व्हाट्सएप में क्या अंतर होता है। ऐसे जीमेल एक अलग टॉपिक है, आपको बनाना, सेंड, भेजना, या मेल कैसे आता है तो कैसे देखते हैं, आउटबॉक्स क्या होता है, पेंडिंग क्या होता है, ये सब देखेंगे, स्पैम क्या होता है, ये सब अगला टॉपिक है। बट यहाँ पे जब हम ये बता रहे हैं तो थोड़ा सा एक टॉपिक क्लियर कर देना चाहते हैं कि कोई भी ऑफिशियल काम है, ऑफिशियल काम बोले तो क्या, ऑफिशियल काम मतलब क्या, जब हम कहीं पे काम कर रहे हैं बैठ के, जैसे अभी हम सपोज डेट कहीं काम कर, जैसे आप अभी काम कर रहे हैं, ऑफिशियल काम कर रहे हैं, वो आपका पर्सनल नहीं है, आप किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं ऑफिशियल काम में, या आप डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम कर रहे हैं, या असिस्टेंट का काम कर रहे हैं, या क्या कर रहे हैं, काम काम होता है। तो जो काम आप ऑफिशियल लैंग्वेज में यूज कर रहे हैं, सपोज डेट अभी आपको बोला गया आप कोई ऑफिशियल काम कर रहे थे, ठीक है, और आपको एक फाइल बोला गया, एक पीडीएफ है। फाइल मतलब क्या, एक पीडीएफ है जो आपको सेंड करना है, किसको, किसी अदर पर्सन को सेंड करना है, और आपको बोला गया कि ये फाइल जो है सेंड कर दीजिए मेरे को, ठीक है। तो एक चीज ध्यान समझिएगा, पीडीएफ का क्या फुल फॉर्म होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है, या फाइल भी बोल सकते हैं, फॉर्मेट बोल सकते हैं, दोनों सही है। तो पीडीएफ का हो गया पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, या फाइल, दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज समझिएगा कि अगर वो डॉक्यूमेंट पीडीएफ में है तो जो जिस माध्यम से भेज ले, या तो मेल के माध्यम से भेज ले, या तो व्हाट्सएप के माध्यम से भेज ले, जो जैसा है वैसा ही जाएगा। लेकिन अगर यही डॉक्यूमेंट पीडीएफ के जगह जेपीईजी, जेपीईजी मतलब क्या, फोटो बोलते हैं इसको, जो भी आप फोटो खींच रहे हैं, जो भी व्हाट्सएप पे आ रहा है, जो भी फोटो है, उसको जेपीजी फॉर्मेट में रखा गया है, मतलब एक्सटेंशन जब हम लोग पढ़े थे ना, ये भी एक टॉपिक है कि जब हम बताएंगे उसमें बताएंगे, डॉट जेपीजी एक फोटो का क्या है, फॉर्मेट है, जैसे नोटपैड का था टीएक्सटी, वर्डपैड का था डॉट आरटीएक्स, उसी तरह फोटो का जेपीजी एक फॉर्मेट है, ठीक है। जब जेपीजी फॉर्मेट रहेगा और अगर आप उसको व्हाट्सएप से भेजिएगा, एक बात बताइए, आप अपने फोन के कैमरा को क्या किए हुए, खोले हुए, ऐसे फोटो क्लिक कर लिए, ठीक है, क्लिक करने के बाद सेम उसी फोटो को किसी अदर के पास भेजिए व्हाट्सएप पे, ठीक है, और अपने फोन के फोटो का प्रॉपर्टी चेक कीजिए, और जो उसके पास व्हाट्सएप में गया उसका प्रॉपर्टी चेक कीजिए, दोनों सेम होगा, किसमें क्या ज्यादा कम होगा, क्या क्यों क्वालिटी घट जाता, क्यों घट जाता है, डॉक्यूमेंट नहीं होते। देखिए, क्वालिटी घटने का रीजन पहले समझ लीजिएगा, क्लाउड स्टोरेज का नाम सुने हैं,
सैटेलाइट का नाम सुने हैं? सैटेलाइट क्या है? उपग्रह पता चलता है। उसमें क्या क्या होता है? कैमरा, लोकेशन, सब बहुत कुछ उसमें सेटअप है। अब बताइए कि उसी सैटेलाइट में जो बड़ी बड़ी कंपनी है, जैसे सैमसंग हो गया, जियो हो गया, खुद का अपना सैटेलाइट डेवलप करके गवर्नमेंट के परमिशन से ऊपर रखे हुए, खुद का अपना, ठीक है। जो छोटी छोटी कंपनियां है वो गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड करके और गवर्नमेंट के सैटेलाइट में थोड़ा सा स्पेस खरीदे हुए, लेकिन जो अरबों खरबोंपति है वो खुद का अपना डेवलप करके, बस उसको खाली परमिशन चाहिए, वो खुद इन्वेस्ट करके ऊपर कर दे। जैसे जियो, जियो का खुद का अपना सैटेलाइट है, जियो का नेटवर्क कहीं किसी कोने में घुस जाइए आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। कहीं हो सकता है एयरटेल का नेटवर्क भाग गया, लेकिन जियो का ये कोने वो टावर रहेगा, जरूर रहेगा, समझे? तो वो सैटेलाइट की वजह से होता है। तो समझिएगा सैटेलाइट पे क्या है, देखिए जीमेल क्या है, ऑफिशियल काम के लिए जीमेल यूज होता है। आखिरकार ये जो जेपीजी फाइल है हम जीमेल से ही क्यों यूज करते हैं ऑफिशियल काम में? आखिरकार क्या रीजन है, हम व्हाट्सएप से क्यों नहीं करते हैं? हाँ, अगर पीडीएफ का बात है तो हम इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, क्योंकि पीडीएफ में कोई चेंजिंग नहीं होता है जाने के बाद, क्योंकि एक फाइल बना होता है, ठीक है। लेकिन जहां पर जेपीजी फोटो का आ जाता है उसको हम मेल से ही क्यों भेजते हैं ऑफिशियल काम में? इसका यही रीजन था कि जो जीमेल है ना वो आपके फाइल के साइज को रिड्यूस नहीं करता है, कंप्रेस्ड करके कम नहीं करता है। जो एग्जैक्ट साइज आपके फोन का 5 MB का अगर फोटो होगा तो जब वो सामने वाले के पास भेजेगा तो कितना भेजेगा? 5 MB भेजेगा। लेकिन व्हाट्सएप के पास एक लिमिटेड है, ठीक है। लिमिटेड है क्या, अगर वो उतना लंबा लंबा फाइल भेजना शुरू कर दिया, अब सोचिए कि दिन भर में आप व्हाट्सएप का ज्यादा यूज करते हैं कि जीमेल का? करते हैं ना, वैसे तो सब आदमी करता होगा। अगर व्हाट्सएप ऐसा परमिशन देने लगे तो पता चलेगा कि उसको करोड़ों जीबी और खरीदना पड़ जाएगा, समझ रहे इस चीज को? एक तो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है अरबों, ठीक है, सैटेलाइट में करके कर दिया, जो फेसबुक ऑनर है भैया उसको ले लिया, ठीक है। अब क्या है भाई कि अगर वो रिड्यूस नहीं करेगा तो सोचिए कि आप मान के चलते हैं आज वाटर पार्क घूमने गए, 100-200 फोटो खींच लिए, जिसमें से 50 वो फोटो सब दोस्त को भेज रहे हैं, तो सिर्फ आप अपना सिंगल यूज देखिए ना कि आपको आज 1 GB का नेट का जरूरत पड़ गया, लगभग आपका जो फोटो का साइज था 800-900 MB हो गया, अब इतना ही अरबों खरबों का आबादी है, पूरा वर्ल्ड यूज कर रहा है ना व्हाट्सएप, तो सोचिए कि उसका स्टोरेज कितना उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, समझ रहे हैं? इसीलिए वो क्या करता है कि अब इतना भी रिड्यूस नहीं कर देता है कि आपको फोटो दिखे ही नहीं, लगभग चलाओ टिकाओ, मतलब आधा से थोड़ा सा हल्का ज्यादा रखेगा और आपके क्वालिटी को क्या करता है, कम करके और आपके पास सेंड कर देगा, कुछ है? लेकिन जीमेल के पास ऐसा कुछ नहीं है। जीमेल के पास इसलिए है क्योंकि इसका यूजर कम है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, एक चीज समझिएगा कि जीमेल पे एक बार में आप 25 MB से ज्यादा किसी फाइल को शेयर नहीं कर सकते हैं, एक बार में। जैसे व्हाट्सएप में क्या है ना कि लगा के छोड़ दिए, जैसे धीरे धीरे अपने जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, 25 MB ही एक बार में आप भेज सकते हैं। अब क्या भेजना है आपको, फोटो भेजना है या छोटा सा वीडियो भेजना है या पीडीएफ भेजना है या कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लेटर, कुछ भी भेजिए आपकी मर्जी, बस 25 MB से ऊपर नहीं जाना चाहिए। किस कंडीशन में? ईमेल के कंडीशन में। हूबहू आपको वही सेम चीज देगा, सपोज डेट 5 MB का आपके फोन में था तो जो रिसीव करेगा, जो रिसीवर होगा उसके फोन में भी 5 MB का ही आया, किसके थ्रू? ईमेल के थ्रू। लेकिन व्हाट्सएप के थ्रू क्या करेगा, इसको 2 या 2.5 में कन्वर्ट कर देगा, समझ में आया? सीधे आधा क्वालिटी इसका क्या कर दिया, डल कर दिया, कुछ समझ में आया? इसको लिखना है, लिखना है तो लिख दीजिए बेटा, ईमेल अकाउंट कर दीजिए, दोनों सेम जैसे पहले ईमेल आया था। अब जीमेल का इतना यूज आ गया ना कि कोई ईमेल खोलता ही नहीं, आप ईमेल खोल के देखिएगा सेम वही अकाउंट आपका आएगा जो जीमेल में, अगर आपके फोन में है तो खोल के अभी भी देख सकते हैं। चलिए, तो वेब समझ में आ गया ना, वेब समझ में आ गया ना, एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसके जरिए हमको कहीं पे भी जाना होता है, किसी भी लिंक पे, तो बोलते हैं ना इस वेबसाइट पे जाइए। वेबसाइट मतलब क्या हो गया, एक लिंक आपको दिया गया, www.maavaishnavi.com गूगल पे सर्च करके देखिएगा आपका ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो एक वेबसाइट है, वेबसाइट मतलब क्या, एक ऐसा लिंक आपको प्रोवाइड किया गया जिसके जरिए आप उस पे जाके उसका पूरा डिटेल क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो वेब एक सॉफ्टवेयर हो गया, और वेब ब्राउजर अभी मैंने आपको दिखाया, ब्राउजर एप्लीकेशन क्या होता है, जिसके जरिए हम इंटरनेट के माध्यम से किसी चीज को ओपन करते हैं, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा इंटरनेट, व्हाट इज इंटरनेट, यहाँ से मेन टॉपिक आपका शुरू होता है। इंटरनेट क्या है, अभी आप लोगों ने बोला कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अभी आप लोगों ने एग्जांपल देखा कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब जितना भी चीज था, सोशल साइट या हमारा पर्सनल साइट हो गया, वो बिना इंटरनेट का नहीं चलता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इंटरनेट किसे कहते हैं या व्हाट इज यूज ऑफ इंटरनेट, तो कैसे बोलिएगा, डिफाइन करने का एक तरीका होना चाहिए आपके पास। तो नॉर्मली आपको बोलना है कि इंटरनेट जो है कम्युनिकेशन का एक क्या है,
मीडियम है, माध्यम है, ठीक है। मतलब कम्युनिकेशन कहने का मतलब क्या, अभी आप घर पे हैं, हम आपको फोन करके या व्हाट्सएप करके या मैसेज करके या वीडियो कॉल करके आपसे कांटेक्ट कर ले रहे हैं ना। दूसरी बात क्या है कि इंटरनेट के माध्यम से अभी इस कंप्यूटर में मेरा इंटरनेट है, लैब में जितना पीसी है उसमें इंटरनेट कनेक्टेड है। अब क्या है कि हम यहाँ से मेल भेजे और विदेश में भी आदमी रहेगा तो वहां मेल चला गया ना, किससे पॉसिबिलिटी है इंटरनेट से ना। मतलब इंटरनेट क्या है, कम्युनिकेशन का एक साधन है, ठीक है, जरिया है। जैसे लाइक हम देखिए मेरा यहाँ एक पीसी है, ठीक है, यहाँ आप लोगों के सबको घर का एक पीसी है, ठीक है। अब बताइए कि कितना दूरी दूरी पर डिस्टेंस पे है सारा डिवाइस, कनेक्टेड डिवाइस, और हम सबको एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए। कुछ समझ में आ रहा है, यही इंटरनेट होता है। मतलब इंटरनेट पूरी दुनिया में एक जाल के जैसा फैला हुआ है, जाल बोलते हैं ना, नेट सेम वैसा ही फैला हुआ है। अब इसके यूज में हजारों आदमी होगा, यूजर फोन वाला, कंप्यूटर वाला, लैपटॉप वाला, टैबलेट वाला, सब कुछ वाला होगा, बट ये हम दिखा रहे हैं कि एक जाल की तरह फैला हुआ। अब इसमें कितना सारा आदमी इधर इधर कनेक्टेड होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी ये देखे तो इतना दूर में 5-10 को फोन होगा, समझ में आ रहा है, ये चीज बता रहा है। तो इंटरनेट क्या है, कम्युनिकेशन का साधन है जिसके जरिए हम एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है। अब लाइक एग्जांपल के तौर पे देना है कैसे कनेक्टेड है, तो स्मार्टफोन से हम वीडियो कॉल कर रहे हैं, टेक्स्ट कर रहे हैं, कॉलिंग कर रहे हैं, या वीडियो कॉल कर रहे हैं, या हम पीसी से किसी को मेल भेज रहे हैं, ये सब क्या है, कनेक्टिविटी का एक एग्जांपल है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, इसी में हमको एक चीज देखना है कि आखिरकार जो हम इंटरनेट एक दूसरे से कनेक्टेड है तो आखिरकार हम यूज कैसे कर पाते हैं, और इंटरनेट होता क्या है। आप लोग को तो नॉर्मल रिचार्ज करवाए और फोन में नेट चला रहे हैं, ठीक है, आखिर वो कौन सा नेट है, ठीक है। यहाँ पे वाईफाई नहीं है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो वो देखिए वो फाइबर का केबल आया हुआ है, ये एयरटेल का है और वो जियो का है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं जियो का ब्लैक वाला है और ऊपर में एयरटेल का व्हाइट वाला है, ठीक है। तो देखिए तार से आया हुआ है, तो ये सब आखिर का है क्या, आपके फोन में तो तार नहीं है फिर भी इंटरनेट चल रहा है। अब इसमें तार है तभी चलेगा, तार को हटा देंगे तो नहीं चलेगा, इसका आखिर रीजन क्या है, थोड़ा हम लोग देखते हैं। तो देखिए उसको बोलते हैं गेटवे ऑफ इंटरनेट। गेटवे मतलब क्या, इंटरनेट जो हम यूज कर रहे हैं कितने माध्यम से होते हुए हमारे पास आ रहा है और कौन कौन सा माध्यम का कैसे कहां यूज होता है, तो उसका हेडिंग क्या लिखेंगे, गेटवे ऑफ इंटरनेट। आप लोग सिमिलर टाइम में लिखिएगा साथ साथ। हाँ गेटवे ऑफ इंटरनेट, नोट डाउन कीजिए। गेटवे ऑफ इंटरनेट में क्या होता है कि गेटवे मतलब क्या, साधन जो है, आखिरकार इंटरनेट यूज करने का कितना साधन है और कब हम कौन से साधन का यूज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो नंबर वन पे आता है WAN, वैन मतलब क्या हो गया, वाइड एरिया नेटवर्क। पहले इसको ओल्ड जनरेशन के अनुसार कोई पुराना किताब उठाइएगा ना तो वाइड के जगह पे आपको वर्ल्ड देखा हुआ लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। दूसरा चीज क्या हो गया, मैन मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। तीसरा हो गया लैन लोकल एरिया नेटवर्क। चौथा हो गया पैन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क। और ये वाला हो गया जो डब्ल्यू लैन वायरलेस एरिया नेटवर्क, आप लोग जो यूज करते हैं यही यूज करते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको चार को जानना जरूरी है, ठीक है। अब एक चीज बताइएगा, क्या कभी आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे या किसी पे भी शॉर्ट वीडियो में देखे हैं कि इंटरनेट कैसे उसका प्रोडक्शन होता है, नहीं देखे हैं कभी भी। इंटरनेट का जो प्रोडक्शन होता है ना वो समुद्र के किनारे होता है, जहां इंटरनेट का उत्पादन होता है उसमें पानी का बहुत ज्यादा खपत होगा।
अब सोचिए कि कहीं पे अल्टर एरिया में हम करेंगे, रेगिस्तान में इंटरनेट का प्रोडक्शन करेंगे, समझ रहे हैं, और वो रुपए पानी लाने में बर्बाद हो जाएगा, हेलीकॉप्टर से पानी आएगा उसके लिए, समझ रहे हैं। तो ऐसा एरिया में वो प्रोडक्ट किया, जैसे कह सकते हैं खाना बैठाता आदमी तो सब देख के ना बैठाता है कि मेरे को वहाँ क्या क्या साधन है क्या साधन नहीं है, सब कुछ देख के बैठाता है। तो प्रोडक्शन ये फॉरेन कंट्री आपके करते हैं जिसका नाम है USA, अमेरिका, ठीक है। अब उससे सब कोई लीज पे लेके चला रहा है, मतलब सब देश को प्रोवाइड कर रहा है इंटरनेट, समझिएगा, ठीक है। अब देखिएगा सबसे ऊपर यहाँ पे एग्जाम्पल से थोड़ा हट के हम आते हैं, सपोज डेट जो जियो कंपनी है अपना, ठीक है, तो इसके मालिक कौन है, मुकेश अंबानी, ठीक है, एमए किए हुए मुकेश अंबानी, ठीक है। तो देखिएगा क्या मुकेश अंबानी अपना कंपनी खुद से खोल के अकेले सब कुछ कर सकते हैं? नहीं ना, कैसे उनका नेटवर्क चल रहा है आप लोग बताइए मेरे को, स्टाफ रखे हुए। तो देखिए सेम वही चीज होता है कि हम यहाँ इंटरनेट का प्रोडक्शन कर दिए जिसको हम नाम दिए क्या, वैन का, ठीक है, यहाँ इंटरनेट बना, समझिएगा, मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, यहाँ इंटरनेट का प्रोडक्शन हुआ, जो इसका मालिक है, जो ऑनर होगा इसका, ठीक है, जो ऑनर है, यहाँ से इंटरनेट को प्रोडक्ट कर दिया, ठीक है। अब बारी आता है इसको सर्वाइव करने का, मतलब लोगों तक पहुंचाने का, ठीक है। तो सोचिए देखिए ये जस्ट ये मालिक हो गए और यहाँ इंटरनेट बना, दोनों सिमिलर चल रहा है। अब क्या हुआ, ये अपने नीचे कुछ असिस्टेंट रखे, ठीक है, सेम यही कंडीशन, ये क्या हुआ सेकंड स्टेप में आया मैन, जिसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब ये क्या किया, कंट्री वाइज सबको डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब जैसे अमेरिका तो अपना हो गया जो बनाया, ठीक है, अब कंट्री वाइज इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, इंडिया में वो बड़ा सा तार दे दिया, लो जी अब इससे पूरा नेट चला, तुम सब पैसा देते जाना खाली, ठीक है मैन, ठीक है। अब बताइए तो हम कंट्री में वो तार दे दिए, अभी जो असिस्टेंट था क्या ये 10 वो असिस्टेंट मिलकर पूरा देश में जियो का सब कुछ संभाल लेगा? नहीं ना संभालेगा। अब क्या हुआ, लैन का मतलब छोटा छोटा ऑफिस खोला गया कि एक काम करो भाई कि हर एक मतलब एरिया में एक मेन ब्रांच खोलो, समझिएगा, फिर उसका मिनी ब्रांच खोलो, जैसे बैंकिंग सेक्टर में देखते हैं SBI, तो SBI का आजकल गांव में, यूनियन का आजकल गांव में, बहुत सारे आजकल इंडियन बैंक का गांव में छोटा छोटा ब्रांच खुल गया है बैंक का, सेम वही कंडीशन यहां पे भी है। अब ये क्या कहा कि काम करो ना, बहुत सारा ब्रांच खोलो अलग 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 एरिया में, जहां तुमको लगे कि हाँ इन्वेस्ट करने में पता चलता है, कंपनी भी कोई भी चीज ऐसी डायरेक्ट नहीं चालू कर देती, ये जियो राउटर जो लगा हुआ है इसका एडवर्टाइजिंग 2019 से ही आ रहा है आपके जियो ऐप में, ठीक है, और वो उसने देखा कि फीडबैक मेरा बहुत अच्छा आ रहा है, लोग इंटरेस्टेड हैं, तब वो फटाक से कंपनी में लॉन्च कर दिया। तो कोई भी कंपनी ऐसी मतलब ऐसा नहीं कि रात में मन में आया कि चलो नई चीज बनाते हैं तो बना दिया, नहीं, वो इन्वेस्ट करने से पहले देखेगा कि मेरे को इनकम इसका आएगा कि नहीं आएगा, तभी वो इन्वेस्ट करेगा। एक जो बढ़िया बिजनेसमैन होता है, माइंड वाला जो बिजनेसमैन होता है, वो इन सब चीजों को देख के चलता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि लैन से तो ऑफिस खोल दिया हम, ठीक है, अब हम और आप उससे कनेक्ट हो गए, हम और आप जैसे व्यक्ति ऑफिस में गए, अब तो इतना एडवांस हो गया ना कि आपके घर पे बस कॉल कीजिए आके लगा के चला जा रहा है। पहले का रूल बताते हैं, जब हम दुकान खोले थे 2019 में, थोड़ा लाइव बता दे रहे हैं, तो उस समय सब कुछ नहीं था, ब्रॉडबैंड का नाम ही नहीं था, तो उस समय हम कनेक्शन लिए थे BSNL का, ठीक है, जो मनेर फील्ड में टावर है BSNL का, ठीक है, वो कनेक्शन लिए थे। अभी कनेक्शन लेने के लिए हम मनेर फील्ड में गए तो मेरे को बताया कि यहाँ से नहीं मिलेगा, या तो पटना जाइए या तो आप दानापुर जाइए। पटना गए, पटना जो संचार करके है, GPO क्लम्बर देखे है ना, दूरदर्शन संचार उसके जस्ट बगल में, ठीक है, वही है BSNL का मेन ऑफिस, ठीक है, मेन ऑफिस गए वहां पे मेरे को एक फॉर्म दिया, ठीक है, फॉर्म भरे और पेमेंट लिया था 1200 या 1500 के आसपास लिया था, और बोला कि ठीक है आप जाइए, यहाँ से टेक्नीशियन विजिट करेगा, ठीक है। फिर 2 या 3 दिन बाद क्या हुआ था ना कि टेक्नीशियन आया था मेरे पास यहाँ देखने, फिर वो बोला कि अच्छा डिस्टेंस इतना है, मतलब उसका एक एरिया होता है, पहले तो जब आप फॉर्म भरिएगा उस समय चेक होता है कि इस पिन कोड पे मेरा वायर गया हुआ है कि नहीं, समझिएगा, अगर उस एरिया में आपका वायर गया हुआ है तभी आपको पास आउट करेगा वहीं पटना में ही, अन्यथा वो हटा देगा। अब टेक्नीशियन किस लिए आया भाई, डिस्टेंस देख रहा है कि हमको कितना तार लेके आना है, क्या लेके आना, एक्चुअली वो एक लिमिटेड तार लेके आते हैं, अगर उस रेंज के अनुसार हो जाता है तो तुरंत करके चले जाते हैं, अन्यथा अगर कुछ प्रॉब्लम होता है या डिस्टेंस ज्यादा है या उनके मशीन में कुछ प्रॉब्लम आ गया है सामान लेके नहीं आया तो फिर अगले दिन वो विजिट करते हैं फिर से, ठीक है। वो आया, सब देख के गया और उसी दिन मेरा सब कुछ लगा के चला गया, समझ में आया। तो ये प्रोसेस था, और आजकल क्या है
फोन किए जियो फाइव और एयरटेल घर पे आया, मुश्किल से 10-15-20 आधा घंटा लगा और आपका नेट चालू हो गया, कितना इजी हो गया, समझ रहे चीज को। तो ये हो गया पैन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क, मतलब कुछ दिन पहले हम इस प्रोसेस का यूज किए थे और आज 2022 से हम यूज कर रहे हैं। पहले हम एयरटेल यूज करते थे बट उसका प्लान सब कुछ थोड़ा बहुत डिस्टर्ब चलता था, ठीक है, इसलिए उसको बंद कर दिए। अभी हाल फिलहाल में 10-15-20 दिन हो रहा है जियो यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। और जियो में एक सबसे अच्छा फैसिलिटी है, देखो लैंडलाइन कनेक्शन है, ठीक है, जो कि एयरटेल में क्या है भाई कि महंगा फोन लगाएंगे तभी होगा, मात्र वो टेलीफोन 600 रुपए का है, ठीक है, फोन धरा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बतियाना है तो बतिया सकते हैं, ठीक है, उसका प्राइवेट नंबर है, ठीक है। तो देखिए ये हो गया, ठीक है, पर्सनल मतलब हम लोग हो गए, ठीक है, और डब्ल्यू लैन मतलब क्या हो गया, ऐसा वायरलेस नेटवर्क एरिया जो विदाउट वायर का चल रहा है, ये सब किससे कनेक्टेड है, ठीक है, ये सब वायर से कनेक्टेड है। एक चीज जान लीजिएगा कि जितना स्पीड वायर वाला दे देता है उतना स्पीड आपका फोन नहीं दे सकता, ठीक है। अभी इस जियो राउटर का बता रहे हैं, ये जियो राउटर 800-900 पीसी में कनेक्टेड है, ठीक है, कोई चीज आप इसमें खोलिए कंप्यूटर में फटाक से खुलेगा, अगर इसके वाईफाई का यूज करके आप कोई चीज खोल रहे हैं मतलब विदाउट वायर का, तो वो कम स्पीड देता है, ठीक है। कभी भी लैन केबल के जरिए अगर किसी चीज को डायरेक्ट राउटर से कनेक्ट करके चला रहे हैं उसका स्पीड आपके फोन के स्पीड के अकॉर्डिंग दुगना होता है, समझना रहे चीज, यही था। तो यही था गेटवे ऑफ इंटरनेट, समझ में आया, सबसे पहले यहाँ प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, उसके बाद ये क्या किया अपना छोटा छोटा ब्रांच और पूरे कंट्री में ये किया, अब ये कहा कि भाई हमारा से तो पॉसिबल नहीं, अकेले हम क्या कर लेंगे, अब ये क्या किया कि छोटा छोटा मिनी ब्रांच खोल दिया, जैसे पटना में, बक्सर में, आरा में, छपड़ा में, जो भी डिस्ट्रिक्ट वाइज खोल दिया। खोलने के बाद फिर पर्सनल आदमी जो जो उसको नेट लेना था, अब जरूरी नहीं है, ये जियो फाइबर का आपका महादेव स्थान में एक मेन ब्रांच खोल दिया जो पूरे मनेर को हैंडल कर रहा है, ठीक है, ऐसा होता है। पर्सनल में हम लोग आ गए, जो पर्सनल यूज, जैसे वहां से मेरे को एक कनेक्शन दे दिया, अब भले आप लोग सब यूज कर रहे हैं लेकिन कनेक्टिविटी क्या है, मेरा पर्सनल है ना, हम किसी को भी दे रहे, ठीक है, ये हो गया। डब्ल्यू लैन का मतलब आपको तो पता ही है, ऐसा सारा नेटवर्क कनेक्टिविटी जो बिना वायर का क्या हो रहा है, ऑपरेट हो रहा है, कुछ समझ में आया, इसमें कुछ लिखना है, मिटा दे,